बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में। कहा जा रहा है कि दिवाली के मौके पर दोनों का रोका भी हो गया, लेकिन दोनों सितारों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टाइगर जिंदा है, क्या आप जानते हैं कि धूम 3 एक था टाइगर राजनीति और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी हिट फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी कैटरीना की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो पूरी तरीके से टूट गई थी, अकेले रहने लगी थी और डिप्रेशन जैसी बीमारी में चली गई थी। एक्टर रणवीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना ने डिप्रेशन में चले जाने की बात कबूली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस डिप्रेशन से कैटरीना कैफ पूरी तरह से उबर चुकी है वो स्थिति कितनी खतरनाक है। डिप्रेशन शब्द जितना आसान नजर आता है, ये स्थिति उससे कहीं ज़्यादा घातक हो सकती है। इस खबर में हम आपको बताते हैं कि कैसे कोई इंसान डिप्रेशन में जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। जी हाँ, और इसी बीमारी से कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ जूझ रही थी और अब वो इस बीमारी को मात देकर इन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हैं। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।